दोस्तों इस स्थान के बारे में आपको एक ऐसा रोचक तथ्य बताता हूँ जो आपको संभवतः कोई नहीं बताएगा। ये तो वो स्थान है जहाँ माता रानी का धड़ धरा में समा गया था। रक्त बीज का वध करने के बाद माता रानी का धड़ इसी धरा में समा गया था, ऊपर जो मंदिर है। परंतु माता रानी का शीश यहाँ से 70 किलोमीटर पीछे स्थित है, इसी स्थान पर। यह है दोस्तों मेरे पीछे माँ धारी देवी का मंदिर। अच्छा, बहुत से लोगों को ये ज्ञात नहीं होगा कि माँ धारी देवी असल में माँ काली है, माँ काली का ही मंदिर है ये। परंतु हुआ ऐसा था कि आज से कई वर्षों पूर्व माँ काली का जो शीश था वो बह के यहाँ आ गया था धारो गांव में। यहाँ के जो लोकल्स थे उन्हें वो शीश मिला। आवाज़ आ रही थी वहाँ से कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लोगों ने उसे बाहर निकाला शीश को, और शीश को बाहर निकाल के यहाँ पर चोटी पर एक मंदिर का निर्माण करा दिया गया था। और उसके बाद फिर इस मंदिर का निर्माण कराया गया। सन 2013 में शीश को विस्थापित किया गया था। कुछ लोगों में ये भ्रम पैदा हुआ उससे कि उस शीश को विस्थापित करने के कारण ही केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई थी। दोस्तों अंदर जो माता काली का शीश रखा है वो दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलता है। सुबह यदि आप उसके दर्शन करने जाएंगे तो आपको एक बालिका स्वरूप के दर्शन होंगे। यदि आप दोपहर में जाएंगे दर्शन करने तो युवती स्वरूप के दर्शन होंगे। और यदि आप शाम या रात्रि को जाएंगे तो आपको एक बुजुर्ग महिला स्वरूपी दर्शन होंगे माँ काली के। ये माँ काली का बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। और यदि आप श्रीनगर आते हैं, चार धाम यात्रा करने जाते हैं, तो यहाँ दर्शन करने अवश्य आइएगा। इन्हें उत्तराखंड की रक्षक देवी माना गया है, और ये माँ काली का ही मंदिर है, धारी देवी मंदिर। दोस्तों तो अब चलते हैं वापस कालीमठ। रक्त बीज आदिकाल का एक ऐसा राक्षस जिसको मारना असंभव था, क्योंकि जहां जहां उसका रक्त गिरता वहां वहां उसके रक्त के बीज से रक्त बीज जैसा ही बलवान राक्षस पैदा हो जाता था। अर्थात रक्त बीज को मारने पर असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। तो फिर कैसे हुआ रक्त बीज का वध? किसने किया रक्त बीज का वध? और कहां हुआ था दैत्यराज आधिपति रक्त बीज का वध? मैंने अभी अभी स्नान किया है यहां पर, तो अभी मेरे कपड़े सूख रहे हैं। जैसे कपड़े सूखेंगे मैं यहां से निकलूंगा। तब तक आनंद उठाइए प्रकृति का, उत्तराखंड की भूली हुई प्रकृति का। दोस्तों दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय पुराण और श्रीमद् देवी भागवतम में रक्त बीज के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। वैसे यदि मैं सत्य बोलूं तो हमारे पुराणों में भी बाहरी ताकतों द्वारा काफी विशुद्धिकरण किया गया है, तो जो मुझे उचित लगा वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये दोस्तों कालीमठ मंदिर की एंट्रेंस है, और मंदिर तो छोटा सा ही है, तो मंदिर में आपको दिखाता रहूँगा, परंतु इतिहास इसका बहुत बड़ा है, तो इतिहास समझने का प्रयास कीजिए। मंदिर में आपको दिखाता रहूँगा वीडियो में, परंतु जब आप यहाँ आएंगे तो आपको इतिहास पता होगा, ये जानना आवश्यक है। ज्ञात ये होता है कि इस महायुग से पहले वाले महायुग के बीच में जो संधि काल था, अर्थात कलयुग से सतयुग का जो संधि काल था, उसमें महर्षि कश्यप और उनकी भार्या दनु से 2 पुत्र हुए, रंभ और करंभ। एक ने शक्तियां अर्जित करने के लिए मालवत यक्ष और दूसरे ने अग्नि का तप किया। इंद्रदेव को यह समझ में आ गया उनको देखकर कि ये राक्षस शक्तियां अर्जित कर उसका दुरुपयोग करने वाले हैं, और इंद्रदेव के सिंहासन पर भी संकट आने वाला है क्योंकि ये राक्षस स्वर्ग पर भी आक्रमण कर सकते हैं। तो इंद्रदेव ने करंभ को, जो पानी में तप कर रहा था, उसे मगरमच्छ का रूप धर के मार दिया, पानी में खींच कर मार दिया। परंतु रंभ, जो अग्नि के बीच में 5 प्रकार की अग्नि के बीच में तप कर रहा था, उसे इंद्र नहीं मार पाए। जब रंभ को इस बात का ज्ञात हुआ कि इंद्र ने करंभ को मार दिया है, तो वो क्रोधित हो गया। उसे ये बात समझ में आ गई कि अग्नि अब उसे कोई वरदान नहीं देने वाली, और इंद्रदेव की ये कोई चाल है। तो वो अपनी शीश की बलि देने का प्रयास करता है। शीश की बलि देने से पहले ही अग्निदेव को वहां पर प्रकट होना पड़ा। अग्निदेव उससे पूछते हैं कि क्या वरदान चाहते
चाहते हो रंभ, तो रंभ कहता है कि प्रथम वरदान तो मुझे ये चाहिए कि मेरा एक शक्तिशाली बलशाली पुत्र हो जिसका कोई भी वध ना कर सके, कोई भी इस धरा पर उसका वध ना कर सके, ना कोई देव, ना दानव, ना नाग, ना किन्नर, ना यक्ष और ना ही कोई और नर उसका वध कर सके। और दूसरा वरदान वो ये मांगता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसी का ही पुनः जन्म हो अपने ही कुल में। अग्निदेव उसे वरदान रूपी तेज सौंपते हैं और कहते हैं कि जिस स्त्री के साथ तुम विवाह करना चाहते हो, जो तुम्हारी भार्या है, उसको ये तेज सौंप देना, उससे एक ऐसा बलशाली पुत्र होगा जिसका वध करना लगभग असंभव होगा। अब रंभ दोस्तों वहां से निकलता है अपने महल की तरफ। रास्ते में उसे स्नान करने की इच्छा होती है, तो वो एक नदी के किनारे स्नान करने चला जाता है और तप को नदी के किनारे ही छोड़ देता है। उस नदी में बहुत सारे जल भैंसों का घर होता है। दोस्तों हम आदिकाल की बात कर रहे हैं, आज से कई वर्षों, कई लाख वर्षों पूर्व की बात कर रहे हैं, तो उस समय एक ऐसी प्रजाति रही होगी भैंसों की जो पानी में वास करती होगी। वैसे आज भी भैंस पानी में तैर सकती है, एक कहावत है ना, गई भैंस पानी में। उसी प्रकार जब रंभ ने अपना तेज स्नान करते वक्त पास में रखा तो एक भैंस उस तेज को निगल जाती है। जब रंभ को यह ज्ञात होता है कि एक भैंस अग्निदेव के द्वारा तेज को निगल गई है, तो वो पानी में छलांग लगाकर उस भैंस को बाहर निकालने का प्रयास करता है। इस प्रयास में जो और भैंसे होते हैं झुंड में, वो रंभ की हत्या कर देते हैं, रंभ को मार देते हैं। जब रंभ वहां पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो अग्निदेव को पुकारता है। अग्निदेव उसे पुनः जन्म लेने का इसी कुल में वरदान देते हैं। और सुनिए, उस भैंस से भी तेज के कारण एक पुत्र का जन्म होता है जो आधा भैंस होता है और आधा नर रूपी होता है। उसका नाम होता है महिषासुर। मान्यता ये भी है कि उस भैंस का नाम महिषी था, जिसके कारण इसका नाम हुआ महिषासुर। परंतु इस पे अभी मुझे और अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो यहां जन्म होता है दोस्तों महिषासुर का, और वहां जन्म होता है रक्त बीज का। ये दोस्तों मुख्य मंदिर है माँ काली का, और अभी आपको अंदर से दर्शन कराता हूँ इसके। एक रोचक बात ये है दोस्तों इस मंदिर के बारे में कि इस मंदिर में, मुख्य मंदिर में, किसी प्रकार की कोई भगवान की प्रतिमा नहीं है। एक श्री यंत्र है, ये आप देख रहे हैं नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ठीक से। अभी ये देखिए, ये है श्री यंत्र, और माना जाता है कि इसी स्थान पर माता धरा में समाई थी। उसके बाद श्री यंत्र से इस पूरे क्षेत्र को ढक दिया गया, और इसकी जो पूजा है वो प्रत्येक दिन नहीं होती, वो केवल शारदीय नवरात्र की अष्टमी को होती है रात के 12 बजे। और बहुत ही सुंदर स्थान है शक्ति का, आपको ऐसा अनुभूति होगी कि यहाँ किसी प्रकार की कोई शक्ति वास करती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मंदिर के आपको दर्शन कराता हूँ। ये मंदिर सरस्वती नदी के किनारे पर बना हुआ है, ये भी एक बहुत रोचक तथ्य है। मैं और इसके बारे में अभी जानकारी अर्जित कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। ये देखिए अवशेष हैं ये मंदिर के कभी पहले बहुत भव्य रहा होगा, अब तो इतना भव्य नहीं है। ये एक मंदिर है, इसके बारे में अभी आपको बताऊँगा। पहले ये एक शिव मंदिर है, ये देख लीजिए, और पीछे है महालक्ष्मी और माता सरस्वती का मंदिर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपको बहुत ही कम ऐसे मंदिर मिलेंगे जहां पर तीनों बहनें एक साथ विराजमान है। ये तो गौराशंकर का मंदिर है, माता पार्वती और भगवान शिव का, देख सकते हैं आप, प्रतिमा भी लगी है यहां पर, बहुत प्राचीन लगती है ये प्रतिमा, तकरीबन 8वीं-9वीं शताब्दी की होगी। ये है महा सरस्वती का मंदिर, अंदर माता सरस्वती की प्रतिमा भी लगी है, और इसके पास ही है भोलेनाथ का मंदिर भी, और इसके पीछे जो मंदिर है वो है महालक्ष्मी का। ये आप देख रहे हैं दोनों मंदिर, ये प्राचीन मंदिर हैं। अब तो ये मंदिर पहले कभी पुराने में समय में काफी भव्य रहे होंगे। ये दोस्तों महालक्ष्मी का मंदिर है, और यहाँ जो ये गुफा है इसके बारे में किसी ने मुझे कुछ बताया है। ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये ही सारा रहस्य है। ये गुफा उस मुहाने, उस कुंड तक पहुंचती है जिस कुंड के ऊपर श्री यंत्र लगा के उसको बंद किया गया है। जो मंदिर है ना मुख्य, उस पे एक जो यंत्र है वो उसी कुंड के ऊपर लगा है जिस कुंड का रास्ता इस गुफा से होकर जाता है, अर्थात
माता रानी की जो देह है, जो जो माता रानी का शरीर है, जो धड़ है, वो इसी कुंड के अंदर है कहीं पर, परंतु यदि वो बाहर आ गया तो इस युग का अंत हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं काली माँ की। इसके बारे में अभी और अध्ययन करूंगा, अगले किसी व्लॉग में आपको बताऊंगा पूरा। यहाँ पर एक रक्त शिला भी है जो रक्त बीज से संबंधित है, और यहाँ पर ऊपर काली शिला भी है जहाँ मैं फिलहाल जा सकता नहीं हूँ क्योंकि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। मैं ये स्थान आपको संक्षिप्त में दिखा रहा हूँ। मंदिर 20 मीटर ऊपर। अभी ये स्थान, जब मैं इस स्थान के बारे में और पढ़ लूंगा, अध्ययन कर लूंगा, फिर मैं दोबारा आऊंगा इस स्थान पे और विस्तार पूर्वक आपको इस स्थान के बारे में बताऊंगा। सफाई चल रही है तो वो है दोस्तों सामने रक्त शिला, और माना जाता है कि आज भी कभी कभी उस शिला पे खून आ जाता है। उसी शिला पे माता रानी ने रक्त बीज का शीश रखा था। अच्छा, पुराणों में एक चीज और लिखी है कि यहाँ पर 3 दिन तपस्या करने से जो फल परिणाम मिलता है वो सतयुग में करोड़ों वर्ष तप के बराबर हुआ करता है। तो यदि आप तप करना चाहते हैं तो काली शिला पे यहाँ पर आप 3 दिन तप कर सकते हैं। मैं भी आने वाले भविष्य में यही करने वाला हूँ। तो अब जानते हैं रक्त बीज के बारे में। अब आते हैं रक्त बीज पर। महिषासुर के बारे में किसी और व्लॉग में बात करेंगे। रक्त बीज का जन्म होते ही वो एक बहुत बड़ा शिव भक्त बन जाता है और भगवान शिव से वो ये वरदान प्राप्त करता है कि उसका रक्त जहां भी गिरेगा उससे एक बीज रूप में उसी जैसा बलशाली राक्षस जन्म लेगा। अर्थात यदि आप उसका हाथ काटेंगे तो हाथ से जो रक्त गिरेगा उससे असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे जो उसी के दिमाग से कंट्रोल्ड होंगे, जो उसी के दिमाग से नियंत्रित होंगे। वो किसी भी रक्त बीज में वास कर सकता है, ऐसा वरदान प्राप्त था उसे। परंतु एक समस्या थी कि उसे अमरता का वरदान प्राप्त नहीं था, वो इमॉर्टल नहीं था। वो फिर से तप करता है, इस बार ब्रह्मा जी का तप करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, उसके सामने आते हैं, पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तो उनसे पहले तो वो अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी मना कर देते हैं कि जो भी इस धरा पर पैदा हुआ है उसका अंत तो निश्चित है। तो वो ये वरदान मांगता है कि उसकी हत्या ना तो कोई देवता कर सके, ना कोई दानव, यक्ष, नाग, किन्नर, ना ही कोई पशु और कोई नर उसकी हत्या ना कर सके। वो एक चीज भूल जाता है, नारी। वो नारी को भूल जाता है। ब्रह्मा जी उसे वरदान दे देते हैं। दोस्तों वरदान मिलते ही वो इतना बलशाली हो जाता है कि शुंभ और निशुंभ की सेना में वो सबसे बलशाली कमांडर था, सबसे बलशाली आर्मी इन चीफ था रक्त बीज। वो स्वर्ग पर आक्रमण करता है, स्वर्ग को जीत लेता है, दुनिया में हाहाकार मचा देता है। सबसे बड़ी समस्या राक्षसों के साथ ये है कि वो अपनी शक्ति के मद में चूर होके अत्याचार आरंभ कर दिया करते थे। देवताओं को लगा कि ऐसे तो इनका अत्याचार बढ़ता ही जाएगा और पूरे ब्रह्मांड पर ये राज करने लगेंगे, पूरी सृष्टि को ही खतरे में डाल देंगे। तो वो जाते हैं त्रिदेव के पास। त्रिदेव बोलते हैं कि इस वरदान का कोई भी तोड़ नहीं है, रक्त बीज को मारने के लिए आपको माँ भगवती के द्वार पर जाना होगा, उनसे प्रार्थना करनी होगी। तब माँ दुर्गा, माँ भगवती अवतार लेती हैं 3 देवियों का, माँ कालिका, माँ अंबिका और माँ काली अर्थात चामुंडा। अब माता और रक्त बीज के बीच भयंकर युद्ध आरंभ होता है। माता अंबिका जितनी बार रक्त बीज का अंग भंग करती उससे नए रक्त बीज उत्पन्न हो रहे थे और असंख्य सैकड़ों के हिसाब से बढ़ रहे थे। तब माँ अंबिका ने माँ चामुंडा अर्थात काली माँ को आदेश दिया कि रक्त बीज के रक्त की एक भी बूंद चामुंडा धरा पर मत गिरने देना। अपने मुंह को विकराल और जीवा को इतना लंबा कर लो कि रक्त बीज का अंग कटते ही उसका रक्त तुम्हारी जीवा पर गिरे और उसके अंग के टुकड़े तुम्हारे मुंह में समा जाएं। तब माँ काली विकराल रूप धरती हैं और यहाँ माँ अंबिका रक्त बीज के अंग काटती चली और वहां माँ काली उसका रक्त पीती चली गई। रक्त पीते ही उसके अंगों की माला बना अपने गले में डालती गई, इसीलिए माँ काली के गले में नरमुंडों की माला होती है। राक्षस का रक्त पीने के कारण ही माता का तामसिक स्वभाव माना जाता है, परंतु नरभक्षी का अंत करने के लिए देवी को नरभक्षी बनना पड़ा और ऐसे रक्त बीज का अंत हुआ।
और ये वो स्थान है जहां रक्त बीज का अंत करने के लिए पहले तो मां अवतरित हुई और रक्त बीज का अंत करने के बाद इसी धरा में समा गई। परंतु माना जाता है कि माता ने धरा में समाने से पहले क्रोध अग्नि से काली पड़ी अपनी देह का त्याग कर दिया था और उनका धड़ तो इस धरा में समा गया था परंतु शीश इसी स्थान पर रह गया जो आज धारी देवी में विद्यमान है। यहां से बहकर वो शीश धारी देवी जो एक धारो गांव हुआ करता था वहां पहुंच गया था जिसको फिर लोकल्स ने वहां पर स्थापित किया और आज धारी देवी का मंदिर है श्रीनगर में जहां आप दर्शन करने जा सकते हैं। महिषासुर, धूम्र विलोचन, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ जैसे कई भयंकर राक्षसों का माता ने अंत किया परंतु आज भी ऐसे ही कई राक्षस उत्पन्न होने लगे हैं और संभव है कि कली युग के अंत तक हम लोगों के अंदर ही कई रक्त बीज उत्पन्न हो जाएं। दोस्तों मंदिर बहुत सुंदर है और मंदिर से 6 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पर आप काली शिला के दर्शन करने भी जा सकते हैं। फिलहाल वो बंद है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मैं जा नहीं पाया। यहां तक आने के लिए आपको रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी वाली सड़क पर आना होगा और वहां से आपको मार्ग मिल जाएगा। गूगल पे भी आप डाल सकते हैं काली मठ मंदिर। कैसा लगा दोस्तों व्लॉग? आशा करता हूँ कि माता के नवरात्रे चल रहे हैं, काफी व्यस्त समय है तो मैं अधिक व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, परंतु प्रयास कर रहा हूँ कि छोटे छोटे 60 सेकंड के व्लॉग्स आपको डेली आपके लिए ला सकूँ। बड़े व्लॉग्स कम आने वाले हैं, 9 दिनों में फिर से शुरू होगी महाभारत की यात्रा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और यदि बहुत ही अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। लिखिए जय माता दी। जय माता दी दोस्तों।